न तेरा खुदा कोई और है, न मेरा खुदा कोई और है, ये जो रास्ते है जुदा। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रिकॉर्डिंग ब्लॉग्स, दिस इज शमशीर अली। तो गाइस फिलहाल मैं जो हूँ मस्जिद नबवी में हूँ, मदीना मनव्वरा में। तो गाइज मेरे रिश्तेदार आए हुए थे मिलने के लिए, आया हुआ था मेरे भाई भी आए हुए थे, बड़े अब्बा के लड़के हाफिज अब्दुल आलम साहब हैं। तो ये जो है राहत टूर एंड ट्रैवल के मौलिम है, ये राहत टूर एंड ट्रैवल जो है गाइज उसको ऑपरेट करते। तो माशाल्लाह मैं आके देखा, मक्का में भी मिला था मैं और यहाँ पर भी आके देखा, जो प्रोवाइड सर्विस जो है माशाल्लाह बहुत ही बेहतरीन प्रोवाइड करते हरम से। माशाल्लाह अभी जब मैं आया मिलने के लिए इन लोग को, तो माशाल्लाह बिल्कुल करीब ही है, 50 मीटर अराउंड मस्जिद नबवी से डिस्टेंस है, वॉकिंग डिस्टेंस 2 मिनट का रास्ता है। माशाल्लाह सामने से बहुत ही खूबसूरत व्यू आ रहा है, जो है मस्जिद नबवी पूरा दिख रहा है और जन्नतुल बकी दिख रहा है माशाल्लाह। उसके अलावा मक्का में भी मैं जब मिलने गया था वहाँ से भी बहुत ही करीब में था डिस्टेंस, मुमकिन 100 मीटर 150 मीटर का डिस्टेंस होगा गाइस। जो किंग अब्दुल अजीज गेट है उसके बिल्कुल पीछे साइड में माशाल्लाह होटल दिए हुए थे। तो मैं बहुत सारा मेरे रिश्तेदार आते रहते हैं, मैं मिलने के लिए आता रहता हूँ। माशाल्लाह इनका जो ट्रैवल है माशाल्लाह बहुत ही देखा फर्स्ट टाइम, जो सर्विस बहुत बेटर है, जो वाकई खिदमत के तौर पे करते और ताकि सवाब ले, कमाने के चक्कर नहीं रहता माशाल्लाह, कोई फ़ायदा लेने का चक्कर नहीं आता। क्योंकि जो भी गाइज उमरा के लिए आता है और नियत से आता है, इखलास के लिए आता है, पैसे का आदमी फिक्र नहीं करता, मगर उसको सर्विस अच्छा मिले तो वो ज़ियारत कर सके हरमैन शरीफैन की, तो लोग को क्या एक अच्छा अच्छा लगता है और दिल को सुकून भी मिलता है। क्योंकि मक्का मदीना आने का हर आदमी का जो है गाइज दिल के अंदर एक तमन्ना रहता है, एक तड़प रहता है। तो गाइज इसलिए तो आप सब से मैं कुछ पूछना चाहूँगा, आप सबको कुछ बताना चाहूँगा कि आप लोग को कुछ बताएं, और कोई भी बंदा गाइज स्पेशली उड़ीसा से अराउंड कटक डिस्ट्रिक्ट और भुवनेश्वर उड़ीसा सुंगड़ा कहीं से भी गाइज आना चाहे, तो आप सब का जो है राहत टूर एंड ट्रैवल का मैं सारा डिटेल, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, मोबाइल नंबर, जो भी कुछ है गाइज आप लोग को मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं, मैं इंस्टाग्राम में भी आप लोग डायरेक्ट बात कर सकते हैं, तो मैं सारा आप लोग को डिटेल वगैरह फ़ोन नंबर वगैरह मिल जाएगा, इंशाल्लाह फ़ायदा होगा आप लोग को और बेहतर सर्विस मिलेगा इंशाल्लाह। आप लोग बार बार आएंगे, एक बार आएंगे तो खुश होंगे। 7 तारीख को पासपोर्ट दिया, 8 तारीख को साथ में आए हैं सभी। माशाल्लाह आप लोग को मतलब इंस्टेंट सर्विस भी मिलेगा गाइज, अब चाहिए तो 1-2 दिन में भी रेडी करके आप लोग को, किसी को अगर आना हो इमरजेंसी में, बाकी बुलाना नहीं बुलाना अल्लाह के हाथ में रहता है। एक बूढ़ी यहाँ आई थी हमारे साथ खाना, वो तबीयत कुछ है तो उनका बेटा जो है 3 दिन के बाद वैसा भी आया है। तो इस खिदमत इनका जो है बहुत ही अच्छा सर्विस है, हम लोग बोले थे एक एजेड आदमी थी तो कुछ तबीयत खराब हुआ कुछ मसले से, तो 3 दिन के अंदर उनके जो बेटे थे आके उनको लेके चले गए वापस। नहीं नहीं वो भी है साथ में ही जाएंगे। कितना अच्छा सर्विस है, कोई इन लोग का प्रॉफिट का बिजनेस नहीं करते क्योंकि ये अल्लाह के घर पे लेके आते हैं। तो आप सबसे भी आप कुछ बोलूंगा, आप लोग बताएंगे आपको उनके जो ट्रैवल वगैरह के बारे में, सब कुछ बताइए मेरे व्यूअर्स को, क्या क्या आपका खिदमत, क्या सिस्टम है, क्या आप कितने दिन में वीजा वगैरह लग जाता है, क्या कैसा सिस्टम है आपका। देखिए अगर आप आने चाहें, अल्लाह पाक लाने चाहें, तो हमारे ये मौलाना नजीब साहब हैं, ये हमको 7 तारीख को पासपोर्ट दिए थे और 8 तारीख को हमारे साथ वो जो है एयरपोर्ट में 9 बजे 10 बजे मिले हैं। वीजा भी और टिकट भी सब कुछ होके हमारे साथ ही आए, हमारे साथ जाएंगे। जैसा चाहे, जैसा यहाँ कोई आपका आ गया है फिर उसको बुलाना चाहते हैं 1-1 दिन में, तो भी इंशाल्लाह हम लोग ये सहूलत है हमारे पास। तो गाइस माशाल्लाह आप सबका जो है बहुत ही अच्छा, मैं पहले से पहचानता हूँ, मैं इनके भाई को पहचानता हूँ हाफिज सुजाउद्दीन साहब, और मेरे भाई भी इसमें, भाई भी हाजी मासूम तैयब साहब भी इसमें है गाइस, तो उन लोग मिलके ये खिदमत को अंजाम देते हैं। तो गाइस इसका कोई मसला नहीं है, आप लोग आ सकते बेझिझक जो है पासपोर्ट वगैरह दे सकते, हर चीज का आप लोग को फैसिलिटी मिलेगा। ये कोई गाइस स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, स्पेशल खिदमत के तौर पे कहता हूँ, कोई मैं स्पॉन्सर नहीं कर रहा हूँ वीडियो को, बस आप मैं आके जो देखा, मेरे आंखों देखी हाल जो है आपको बयान कर रहा हूँ, जो फैसिलिटी देखा मैं। तो गाइज आप लोग कोशिश करिए आने के लिए और आप सबसे कॉन्टेक्ट करिए, नंबर वगैरह दे दूंगा, तो बाकी इंशाल्लाह आप, ये साथ में हमारे गाइड भी आते हैं, मतलब जैसे आके यहाँ पर ग्रुप आया तो परेशान होने का नहीं, साथ में ये आते हैं, उनको कुछ करना ना पड़े, क्योंकि हम लोग वहाँ हरम में जाने का, वहाँ उमरा कराने का, ये सब कुछ हम लोग साथ, सारा गाइस जो है हरम का वगैरह के साथ में जो गाइड भी रहते हैं गाइस, तो आप लोग को सारा डिटेल वगैरह आपको बताएंगे, आपको गाइड भी करेंगे कैसे अहराम पहनना है, कैसे उमरा करना है, और बाकी जो भी चीज आप लोग को करना है उन लोग के साथ गाइड भी रहते हैं माशाल्लाह।
तो आप लोग को गाइड भी करेंगे, और आप लोग को बस पासपोर्ट देना है, बाकी काम उन लोग का है, बाकी दुआ करना है, और हम सबके लिए भी दुआ करें। इन लोग माशाल्लाह बहुत ही अच्छा खिदमत कर रहे, और जो है खाने पीने का सिस्टम भी माशाल्लाह जो है बुफे सिस्टम है, अच्छा खाना मिलता है। हाफिज आलिम के साथ आने का एक बात ही अलग ही रहता है, मसला मसाइल का बात अलग रहता है। तो गाइस पैसे का तो है, सारा आदमी आजकल पैसा कमाता है, पैसा बड़ी चीज नहीं है, मगर सही तरीके से आके ज़ियारत वगैरह हो जाए हरमैन शरीफेन की, और आदमी मक्का मदीना देख ले, ये बड़ी चीज़ है। और गाइस ये स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, मैं खुद आके जो आंखों देखी देखा हूँ, जो फैसिलिटी देखा हूँ, तो इसके लिए आप लोग को बताना चाहता हूँ। जो भी गाइस अराउंड ओडिशा के जो भी है, कटक से, भुवनेश्वर के, आजू बाजू के एरिया के जो भी गाइस, भद्रक से, बालेसर से, कोई भी एरिया, ओडिशा से कहीं भी हो, आप अगर कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं आपका, मैं जो है कॉन्टैक्ट डिटेल मेरे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग इनसे बात करिए, इनसे राबता करिए, इंशाल्लाह खैर होगा, अल्लाह खैर करेगा। हाफिज अब्दुल आलम साहब हैं कटक से, हाफिज सुजाउद्दीन साहब हैं, और हाजी मासूम तैयब साहब हैं, तो गाइस तो इंशाल्लाह खैर होगा। तो बस दुआ में याद रखिए, अल्लाह ताला हर इंसान को, मुझे भी जो वीडियो देख रहा है और जो आना चाहता है, अल्लाह ताला हर इंसान को जो है हरमैन शरीफेन की ज़ियारत बार बार करने की नसीब फरमाए, तौफीक अता फरमाए, और हुजूर के रोजे पे आने की तौफीक नसीब फरमाए, हुजूर के रोजे पे सलाम पेश करने की तौफीक नसीब फरमाए। तो आप लोग भी हमारे लिए दुआ करें, दुआ में याद रखें, इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, सलाम अलैकुम। तो गाइस मैं फिलहाल होटल में हूँ, जहाँ पर अभी जो हाफिज साहब का इंटरव्यू लिया, होटल में हूँ, होटल के अंदर जो हूँ, होटल के रूम के अंदर से आप लोग को मैं खिड़की का विंडो का व्यू देता हूँ पूरा। गाइस माशाल्लाह विंडो से जो है मस्जिद नबवी दिख रहा है और जन्नतुल बकी दिख रहा है, तो आप लोग को मैं बैक कैमरा से होटल के अंदर से व्यू भी दिखाता हूँ, आप लोग देखिए माशाल्लाह। ये जी देखिए होटल के रूम के अंदर से मैं व्यू दे रहा हूँ आप लोग को, माशाल्लाह बहुत ही बेहतरीन व्यू आ रहा है, पूरा मस्जिद नबवी दिख रहा है, ये सामने पूरा जन्नतुल बकी वगैरह का एरिया है गाइस। तमन्ना मुद्दतों से है जमाले मुस्तफा, देखूं इमामुल अंबिया, देखूं हबीबे किबरिया, देखूं तमन्ना है दिल हबीबुल्लाह, तमन्ना है दिल रसूलुल्लाह, वो जिनके दम कदम से सुबह ने भी रोशनी पाई, मुनव्वर कर दिया जिसने फजा वो रहनुमा, देखूं तमन्ना है दिल हबीबुल्लाह, तमन्ना है दिल रसूलुल्लाह, ये दुनिया बेसुबा तो बेवफा हो गम का गहवारा, ये है मतलूब दर्रे बेवफाई में।